सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जैसे किसी किताब को थोड़ी दूर से साफ साफ पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर आँखों को किताब से सटा दिया जाए तो हम किताब का एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाएंगे। उसी तरह जिंदगी को इतने करीब से नहीं देखना चाहिए कि हर चीज धुंधली दिखाई देने लगे। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहिए तो सम्मान देना पड़ेगा और विश्वास चाहिए तो विश्वास करना पड़ेगा। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। आज का पंचांग 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:38 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 9:20 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:17 से 1:50 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। भाद्रपद अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:38 से प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को शाम 4:14 तक रहेगी। इस साल जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 6 सितंबर को सुबह 9:20 से प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर समाप्त होगी। जन्माष्टमी 6 सितंबर को है या 7 सितंबर को कब मनाएं? 6 सितंबर को गृहस्थ जीवन वालों को 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाना शुभ रहेगा। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और रात्रि पूजा में पूजा का शुभ मुहूर्त भी बन रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म रात में ही हुआ था। 7 सितंबर वाली पंचांग के अनुसार इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। साधु संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा का अलग विधान है और इस दिन दही हांडी उत्सव भी मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त श्री कृष्ण पूजा का समय 6 सितंबर रात्रि 11:57 से 12:42 तक रहेगा, जिसकी पूजा अवधि 46 मिनट तक रहेगी। कन्या राशि 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार, आप आज अपने घर की साज सज्जा कपड़ों और सौंदर्य प्रसाधनों पर काफी खर्च कर सकते हैं। हालांकि आप अपने खर्च को फिजूल खर्ची की सीमा तक पहुँचाने से पहले नियंत्रित कर पाएंगे। अपने किसी खास को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं जो उसे बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करने से आपकी बात अधिक सार्थक लगेगी। हाल ही में हुआ ब्रेकअप और अलगाव आपको चिंतित भी कर सकता है। परिवर्तन की जरूरतों को स्वीकार करें और इस समय को बेहतरीन बनाएं। नए मौके आपके सामने है, बस इनका सदुपयोग करें और सपनों का विश्लेषण आपको सही दिशा में ले जाएगा। बुराइयों को नजरअंदाज करें, आपको जल्दी ही लंबी प्रतिबद्धता या खरीद की जरूरत हो सकती है, इसीलिए बातचीत करते समय नम्र रहें। दोस्तों और प्रियजनों के साथ बिताए समय और सामाजिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखें। बुजुर्ग मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अतिरिक्त जिम्मेदारियों को लेने के इच्छुक हैं और उसी के अनुसार आप अतिरिक्त साधनों को खोजेंगे। आप काम और निजी जीवन दोनों से संतुष्ट हैं, जिनसे आपको अलग पहचान मिल रही है। रचनात्मकता, कल्पना, चतुरता और ऐसी सभी चीजें आपको आंतरिक खुशी प्रदान करती है। आज अब दिन की शुरुआत योग से करें। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारे दिन आप में ऊर्जा रहेगी। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं, वो अपने धन को आज बहुत संभाल कर रखें। धन चोरी होने की संभावना है। बहन का इसने आपको प्रोत्साहन देगा, लेकिन छोटी मोटी बातों पर आपक होने से बचें, क्योंकि इससे आपके हितों को नुकसान पहुंचेगा। कोई पौधा लगाएं
आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगी और समस्या आपकी पहुंच में होगी। परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने भी जा सकती हैं। आस पड़ोस की किसी सुनी सुनाई बात को लेकर आपका जीवन साथी दिल का ताड़ बना सकता है, ध्यान रखें। आज पिछले कुछ समय से चल रही कोई चिंता दूर होगी। निवेश संबंधित कार्यों के लिए आज समय बहुत ही उत्तम है, इसीलिए इस कामों में विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह भी परिवार पर बना रहेगा। काम की गति बढ़ाते समय अन्य बातों पर बिगड़े काम की गति बढ़ाते समय अन्य बातें ना बिगड़े, इस बात का ध्यान रखें। दूसरों को होने वाली तकलीफ का हल आपके पास होगा। बड़ी खरीदारी हो सकती है, पैसों से संबंधित लिए निर्णय के कारण चिंता हो सकती है। व्यापार से जुड़ी योजना पर काम करने का सही समय है। रिलेशनशिप को गंभीरता से लें, एसिडिटी भी हो सकती है, पूरा ख्याल रखें। आज धार्मिक कार्य में भी आपकी रुचि बहुत रहेगी, जो अच्छी बात है। सावधानियां, भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कुछ तनाव रह सकता है, इसीलिए धैर्य और संयम बनाकर रखें और संबंधों को खराब होने से बचाएं। अनिर्णय की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आप पर रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। उपलब्धि से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएगी। अभी का समय रोमांटिक माहौल के लिए बहुत अच्छा नहीं है और आपका संबंध एक लीक पर चल रहा है। शादीशुदा जोड़े अपने रिश्ते में कम होते प्यार को थोड़ी सी कोशिश करके फिर से पैदा कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि प्यार से आपके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां पैदा हो रही है, जिससे आपको परेशानी हो रही है, लेकिन धीरज रखें और इस अस्थायी चिड़चिड़े के दौर से निकलने तक शांत और सहनशील बने रहें। समय आपके और आपके साथी के दीर्घकालीन निवेश और खरीदारी के लिए उपयुक्त है। आपसी सहमति से कोई भी काम करने के लिए बातचीत करें। अगर कोई दोस्त या सहकर्मी आपकी ओर रोमांटिक कदम बढ़ाए तो हैरान ना हो। अपने साथी के साथ एक रोमांटिक डेट के लिए समय अच्छा है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में अपने साथी को जरूर शामिल करें। संसाधनों के लिए आप स्वयं पर निर्भर करेंगी, किंतु अन्य आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होंगी। आपका उत्साह आपके प्यार और भावनाओं को बढ़ाएंगे, इसका लाभ उठाएं और यह आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध भी होगा। बात करते हैं करियर की। आपको या आपके प्रियजनों को प्रभावित करने वाली चिकित्सा संबंधित किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आपको अचानक आर्थिक खर्च का सामना करना पड़ सकता है। अस्पतालों या पुनर्वास केंद्रों में भी आपके चक्कर लग सकते हैं। विशेषज्ञों से इन चीजों के बारे में बात करें और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपने दिमाग की सुनें। इस चरण का प्रयोग अपनी नजरियों का विस्तार करने के लिए करें। अभी एक रिश्ता या कनेक्शन खत्म हो सकता है, जिससे आपको दुख या तनाव होगा। अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी सरलता और रचनात्मकता को रास्ता खोजने में मदद करें। आप लंबे समय से एक ही परियोजना पर काम कर रहे हैं, इसीलिए आपका दिन आज आपको नीरज लग सकता है। यह आपकी प्रगति के लिए हानिकारक है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके बदलाव लाने के लिए आप कोशिश करें। हालांकि तब तक अपने सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते का आनंद लें, क्योंकि उनमें से एक बहुत सुरक्षित रूप से आपको संगठन से बाहर का रास्ता खोजने में मदद कर सकता है। दोपहर बाद ग्रह स्थितियां कुछ विपरीत हो रही है, इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले परहेज करें। व्यवसायियों को अपनी व्यापार को बढ़ाने के लिए नेटवर्क और अधिक विस्तार करना होगा। नौकरी में भी कार्य संबंधित किसी बात को लेकर दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, बात करते हैं सेहत की। आप अपने खुद की देखभाल करने में सक्षम हैं और अपना सब काम खुद ही करते हैं, लेकिन ऐसा करने में अभी अपनों से एक दूरी सी बनाई हुई है और इससे आपके दिमाग और आत्मा के स्वास्थ्य विकास में बाधा पहुँच रही है। इसलिए अपने आस पास लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करें। आप कैसा जीवन जी रहे हैं इस बारे में उनकी राय भी जानने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज आप तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।